कुछ बोलने से पहले सुन लो, मैंने ये जो क्लिकबेट किया है ये दरअसल क्लिकबेट नहीं है। मैंने तो थंबनेल में लिख भी दिया था क्लिकबेट, अगर तुमने देखा नहीं तो उसमें मेरी क्या गलती। देख लो, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ प्रूफ। हाँ जानता हूँ ये चींटी से भी छोटे अक्षर में लिखे हुए हैं, लेकिन इतनी क्लिकबेट तो बनती है यार व्यूज़ के लिए। एंड मैं क्लिकबेट क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें अगर जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देखो। एंड इस वीडियो में अगर तुम्हें फ़न फैक्ट जानना है तो वो फ़न फैक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है हमारे फिर से एक और नए वीडियो में। हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे पेन होता है। वेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एंड इस सवाल का जवाब अगर तुम्हें जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ट्रांसफॉर्मेशन, वेल, ये एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर यूं कहे कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दर्द होता है कि नहीं वो बता पाना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है इसके ज़रिए हम आज तक किसी भी एलियन या किसी भी जीव में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं। बट हाँ, ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। तो वेल सुनो, जब कोई बच्चा या कोई भी ऐसा जीव तुरंत ही अपने जीन्स को छोड़कर, अपनी कोशिकाओं को छोड़कर, अपनी पूरी मतलब बॉडी को छोड़कर किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है, वो भी इतनी जल्दी, तो तुम्हें क्या लग रहा है क्या उसे दर्द होता होगा? वेल, अगर तुम पूरी फिजिक्स को देखो अभी के ज़माने की तो तुम मुझे ये बोलोगे कि हाँ दर्द होता है। बट ऐसा नहीं है, जो बेन है वो जब भी किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे दर्द नहीं होता है। वेल, अगर तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों एंड मुझे कोई प्रूफ दो, तो सबसे बड़ा प्रूफ हमें बेन 10 क्लासिक में मिला था। एंड अगर तुम्हें वो प्रूफ देखना है तो मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ। जब बेन 10 क्लासिक में बेन को सबसे पहली बार ओमनीट्रिक्स मिली थी एंड उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था हीट ब्लास्ट में, तब आपने यही शायद नोटिस की होगी ये बात कि उसने कहा था कि मैं जल रहा हूँ। बट क्या उसने एक भी बार कहा कि मुझे दर्द हो रहा है? क्योंकि देखो, अगर किसी भी बच्चे को कोई डिवाइस मिले या कुछ भी मिले एंड उसे यूज़ करने के बाद उसे दर्द हो या कुछ ऐसा ही महसूस हो दर्द टाइप का, तो वो उस डिवाइस को या उस चीज़ को फिर इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जो बेन 10 है उसे दर्द नहीं हुआ शुरू में एलियन बनने में, नहीं तो वो ये भी कहता कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है एलियन बनने में। या फिर मैं एलियन बन के बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ, तो बेन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एंड यहाँ तक कि जो बेन है उसने तो अपनी बहन में ऐसा भी कह रहा था कि मैं अगर सभी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकूँ एंड इसको अच्छे से समझ लूँ तो मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। देखो, अगर मैं इसको समझ सका तो शायद मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, मतलब सचमुच की मदद, बिना चीज़ों को मतलब और बिगाड़े। एंड अगर किसी को इतना दर्द होता तो वो फिर वापस क्यों सोचता उस डिवाइस को यूज करने की, वो भी इतनी जल्दी। एंड अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ रियल लाइफ का, तो जब मैं छोटा था तो तुमने टीन का चूल्हा देखा होगा, उसे मैं बहुत ही ज्यादा खेलता था मतलब कब, जब वो जलता नहीं था। एंड जिस दिन उसमें आग मतलब एक दिन जल रहा था, चूल्हा जल रहा था, उस दिन मैंने उसे गलती से टच कर लिया नहा के आने के बाद, कसम से यार मतलब मेरे पैर में फोड़ा हो गया। अब तुम बोलोगे पैर में फोड़ा क्यों हुआ? अरे भाई, मैं जब जा रहा था ना तो मेरे पैर में हल्का वो सट गया एंड मैं उसे छूने के लिए ही जा रहा था, बस वो मेरे पैर में सट गया, तो जब पैर में फोड़ा हो गया तो मैं उसे हाथ से क्यों छूऊंगा? तो वेल, रियल लाइफ मैंने अपना खुद का एग्जांपल देके तुम लोगों को समझाया एंड ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मत कि मेरे पैर में फोड़ा हो गया था, वो निशान आज तक भी मेरे पास है। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो समझ नहीं आई हो एक और बार रिपीट करके देख लेना। एंड अगर तभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बनाई हुई एक थियरी है, सो इसलिए अगर तुम्हें ये थियरी पसंद नहीं आई हो तो मुझे कमेंट में बताना एंड क्यों पसंद नहीं आई वो भी बताना। एंड तुम्हारे पास इससे रिलेटिव कोई थियरी है कि बेन 10 को पेन होता है कि नहीं, एंड अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।